और मंदिर थे तो आपने क्यों तोड़े? अच्छा तोड़ दिया तो उसके ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? और सही बात तो है कि धर्म के नाम पे भजन हुआ तो अपने आप ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जब मुस्लिम राष्ट्र हो गया तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। 40,000 की बात नहीं कर रहे हैं, 3200 स्थान ऐसे हैं 300 पे आपकी मस्जिद खड़ी, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। 20 स्थान तो मथुरा जनपद में ऐसे हैं जहाँ पहले मंदिर थे और आज भी मस्जिद खड़ी हुई है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल अयोध्या मथुरा काशी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मथुरा में मंदिर टूटा होगा तो चुपचाप तो लोगों ने ताली नहीं बजाई होगी, हाँ हजारों लोग, जब भी मंदिर टूटा होगा हजारों पुरखों ने अपनी गर्दन जहाँ कटाई होगी। आज भी इसकी नींव में हजारों हमारे पुरखों की अस्थि पंजा और मांस मज्जा जो है उसका गारा पड़ा होगा। तो उनने और जगह तोड़े, लेकिन यहाँ इसलिए तोड़े कि हिंदू यहाँ आएगा और वहाँ ये तुलना होगी कि आपके ईश्वर में कोई दम नहीं है, आएगा उत्साह से लेकिन यहाँ आएगा अपमानित होकर के कि जिस समय ये मंदिर भव्य ऐसा मंदिर टूटा होगा तो हमारे लोगों का क्या बीती होगी। तो वो स्वार्थ नहीं, वह कटता, वह क्लेश, वह अपमान का बोध जरूर होता है। स्थायी रूप से अपमान का बोध होता रहे, गुलामी का बोध होता रहे, हीनता का बोध होता रहे, तभी तो इन्हें मंदिर तोड़े और वही जगह मस्जिद पाए जहाँ के मंदिर मूल थे। दूसरा, जन्मों में दो नहीं हो सकती, मंदिर लाखों हो सकते हैं, जन्मों ही तो वो ही रहेगी, जन्मों ही रही है। हमारा जो गर्भगृह है यहाँ जब भी भगवान के स्थान पर भगवान का जो शिव विग्रह यहीं स्थापित किया गया, ये गर्भगृह एक गर्भ ऊपर निकला जब जो कार सेवा हुई तो ये माना गया बज्रनाब ने स्थापित किया गर्भगृह, तो निश्चित रूप से उस समय की जो तो प्रत्यक्ष होंगे उस समय के उनके प्रभुत्व के साथ ऐसे लोग भी होंगे जो भगवान का जन्म ने देखा होगा, तो उनने यदि वो जगह तय की तो भगवान का जन्म निश्चित रूप से वहीं हुआ होगा, तो उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। तो ये तय हुआ कि हम 40,000 की बात नहीं कर रहे हैं, 3200 स्थान ऐसे हैं 300 पे आपकी मस्जिद खड़ी, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। 20 स्थान तो मथुरा जनपद में ऐसे हैं जहाँ पहले मंदिर थे और आज भी मस्जिद खड़ी हुई है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल अयोध्या मथुरा काशी की बात कर रहे हैं। उनसे आग्रह किया गया कि आप केवल क्यों घोर अत्याचार के प्रतीक हैं, ये घोर अत्याचार के प्रतीक हैं, तो कम से कम यहाँ और जगह तो लोग आएंगे नहीं, जहाँ जरूर आते हैं यहाँ आकर के बड़ा उत्साह के साथ में आए और इनको देख करके बड़ा दुखी और अपने आप को अब आज़ाद हो गए आज़ादी की। और सही बात तो है कि धर्म के नाम पे भजन हुआ तो जो कम से कम जो हिंदुओं के मानदंड तोड़ गए तो अपने आप ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जब मुस्लिम राष्ट्र हो गया तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र में हम ये नहीं कह रहे कि आपकी मस्जिद तोड़ी जाए, हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे मंदिर थे आप ये तय कर लिए कि मंदिर थे या नहीं थे, आप ये कहीं से भी देख लिए कि मंदिर वहाँ थे या नहीं थे, और मंदिर थे तो आपने क्यों तोड़े? अच्छा तोड़ दिया तो उसके ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? जब आपकी शरीयत ये कहती है कि दूसरे के धर्मस्थल पर खुदा को इबादत जो है जो है वो स्वीकार नहीं होती, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो आपका कोई इबादत का विषय आपका पीर पैगंबर औलिया की जगह नहीं, हमारे भगवान की जन्मभूमि है, तो इसलिए वो ठीक है कि गुलामी क्या हुआ सब जानते हैं कि क्यों हुआ क्या हुआ, लेकिन अब गुलाम नहीं, अब हम आज़ाद हैं। आज़ाद में भी एक टुकड़ा धर्म के नाम पे आपको दे दिया, तो जो बचे हैं उनमें भी हम 40,000 नहीं मांग रहे, हम मतलब 3200 नहीं मांग रहे, हम तीन जगह मांग रहे हैं। तो राम जी की कृपा से वह स्वदिन वहाँ आ गया, 492 साल की लड़ाई के बाद में 3.5 लाख पुरखों ने अपना बलिदान दिया, तो कम से कम वो स्वदन आ गया। लेकिन जब मथुरा में मंदिर टूटा होगा तो चुपचाप तो लोगों ने ताली नहीं बजाई होगी, हाँ हजारों लोग, जब भी मंदिर टूटा होगा हजारों पुरखों ने अपनी गर्दन जहाँ कटाई होगी। आज भी इसकी नींव में हजारों हमारे पुरखों की अस्थि पंजर और मांस मज्जा जो है उसका गारा पड़ा होगा। तो हम तो विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, पहले अयोध्या के लिए कहते हैं कि भाई हम आप जो है कि स्वार्थ की बात करते हैं, आपको दूसरी जगह जगह जैसे अयोध्या में मस्जिद बनाई जाए आपको मस्जिद बना कर दी जा सकती है, हमको किसी धर्म परंपरा से विरोध नहीं है, लेकिन जन्मभूमि पर और यहाँ तो सामर्थ्य हमारा है, हर केड़ कोर्ट के से हम जीते, आज भी नगर पालिका अब तो नगर हो गया है वहाँ रेवेन्यू हम देते हमारा नाम है, जो खसा खेवट का तो नहीं है ना हमारा है, हर हाई कोर्ट में हर सामता वहाँ हमेशा हमारा रहा है। तो जब सब जगह मान लेके यहाँ तो विवाद ही नहीं, या कोई एक आदमी तो चैलेंज करके गए कि यहाँ मंदिर नहीं था, कोई एक दुनिया में कहे अयोध्या में तो आपने भाई खुदाई कराई क्या क्या किया, यहाँ तो फाउंडेशन मंदिर की है, कोई मतलब जिसको अच्छा नहीं दिखता वो भी टटोर के बता देगा यहाँ मंदिर था, तो यहाँ तो कोई विवाद ही नहीं। तो विवाद नहीं तो यदि आप सौहार्द की बात करते हैं तो कम से कम अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया कि यदि अयोध्या में मंदिर था तो मंदिर बनना चाहिए,
अब तो ये भी नजीर बन गई। और यहाँ यहाँ पहले मंदिर था, इसको कोई ये चैलेंज करे ना, यहाँ अगर मथुरा में के मंदिर नहीं था। ऐसा है कि वो उनका जो विषय था अयोध्या उनके सामने, मथुरा का भी विषय उनके सामने नहीं था, न कोई उनके सामने प्रेयर थी, न उनसे कोई जजमेंट मांगा गया था। और ये हिंदू समाज की जो है आस्था का विषय है, इसलिए ये विषय ऊपर हम तक जीते हुए ना, हम नजीर के मांग रहे, हम मालिक है ना, कृष्ण मालिक है। कोई ये कह के कृष्ण मालिक नहीं, कोई है कि ईदगाह के मालिक ये किसी कोर्ट ने, कचहरी ने, रेवेन्यू ने कोई बताया हो ना, हमारा टैक्स हम दे रहे हैं, तो फिर ये पेशा ही नहीं है। अब तो ये कि स्वार्थ की बात है कि सगोसल उनको हम आज भी उनका सम्मान करते हैं कि उनका जो है कोई पीर पवन ओलिया की जगह नहीं। मंदिर क्यों तोड़ा? इसलिए तोड़ा कि हमारा अपमान करना, हमारी भावना को जो धूल धूषित करना, इससे बड़ा अत्याचार का प्रतीक कोई, हम ये कहते हैं बड़े उत्सव करते हैं। अभी जन्माष्टमी बनाएंगे, पब्लिक नहीं होगी तो भी उत्सव करेंगे, लेकिन जब उसको देखते हैं तो उस समय की याद जरूर आती है, हर एक हिंदू रक्त जरूर आता है कि जिस समय ये मंदिर भव्य ऐसा मंदिर टूटा होगा तो हमारे लोगों पर क्या बीती होगी। तो वो स्वार्थ नहीं, वह कटता, वह क्लेश, वह अपमान का बोध जरूर होता है। आप देख रहे थे TFP न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। सभी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thefourthflood.in को विजिट कीजिए, और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए TFP न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।